खबर हमीरपुर जिले से है, जहां जायदाद के लिए एक महिला की उसके भाई और पति ने गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतका की मां ने अपने बेटे और दामाद के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। दरअसल सुमेरपुर थाने के भोनिया गांव के रहने वाले किसान सूरज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कृष्णा देवी के नाम पर जायदाद आ गई थी। कृष्णा की एक बेटी एवं दो बेटे हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कुरारा थाने के सिवनी गांव में जयनारायण के साथ की थी। जयनारायण अपनी पत्नी सोनी को ठीक से नहीं रखता था, जिसके कारण सोनी सिंह 5 सालों से अपनी मां कृष्णा के साथ रह रही थी, जिससे सोनी सिंह के भाई को लगने लगा था कि कहीं उसकी माँ उसकी बहन सोनी के नाम पर जायदाद न कर दे। इसीलिए सोनी के भाई ने बहनोई के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी भाई और पति को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना सुमेरपुर में ये इमलिया चांद थोक जो मोहल्ला है, यहाँ पे एक घर में अभी सूचना मिली पुलिस को कि एक महिला की डेड बॉडी है और उनका नाम है सोनी और उम्र करीब उनकी 35 साल के आसपास में है। दो बच्चे हैं इनके और घर के अंदर ही इनके रूम के अंदर इनकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी पर कोई जाहिरा चोट अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, तो इसका PM कराया जा रहा है और आगे की समय विधिक कार्रवाई की जाएगी और PM में जो भी मृत्यु का कारण आएगा उसी आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।